आने से पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें पटना के एक बहुत प्रतिष्ठित सर हैं, बहुत प्रतिष्ठित, उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीचर लोग 2-2 लाख में बच्चों को अपने यहाँ बुला देते हैं, झूठ मूठ के बोल देते हैं कि जो है आपने दारोगा बनाया है 2 लाख रुपया लेके, उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हमारे विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। नहीं, हम चाहते हैं आप जवाब दें, लेकिन निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं, इस पर हम बोल भी दिए हैं, उन तक जवाब पहुंच भी गया होगा। अगर उनको लगता है कोई ऐसा है, वो अगर अपने मन से बोले हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्रा है, यानी गरीबी, मासूमियत, यानी झूठा कहानी बनाना, अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई है लड़की जिसको हमने 2 लाख रुपया देकर के ख़रीद लिया है, वो हमारे स्टेज पर लाएं, हम उनको 2 करोड़ रुपया देंगे। और इसके बाद एक बात हम कहना चाहेंगे कि कुछ कह करके भी कुछ हम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहेंगे कि लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, हम अपना काम करके आगे बढ़ते रहेंगे। आखिरी में जाते जाते बच्चों को क्या कहिएगा, क्या एक कोई मोटिवेशनल लाइन जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, आप अपना संदेश उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो यहाँ पे नहीं आए हैं? जिस रोज मेहनत का सिक्का उछलता है ना, उस रोज हेड भी अपना होता है और टेल भी अपना होता है। हम बस यही कहेंगे, ईमानदारी से आप मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर सफल हो। बाकी हमारे साथ थे ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन सर, जिन्होंने बहुत ही खामोशी से काम किया, इसीलिए मेरा पिकअप लाइन था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि पटना में मैं खुद बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ, सर को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, पिछले 2 सालों से इनका नाम लगातार सुन रहा हूँ अपने इस बेहतरीन काम के लिए, इतना रिजल्ट देने के लिए। और वास्तव में इनकी सफलता ने और यहाँ पढ़ रहे बच्चों ने अपनी सफलता से शोर मचवाया है।